इनका जो वेट कपिंग का सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम पहले इनसे जान लेते हैं कि क्या क्या इनको चेंजेस फील हुए हैं और क्या इनको पहले क्या मेजर इशू थे। तो जैसे भाई हम काफ़ी टाइम से जब वर्कआउट करते थे तो शोल्डर की जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओवरहेड प्रेस या अपने डेडलिफ्ट कर रहे हैं, स्क्वाट्स कर रहे हैं, तो काफ़ी मूवमेंट ऐसी होती है जिनके अंदर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पेन होता था और डर भी लगता था कहीं ऐसा ना हो कि भाई कभी शोल्डर उतर जाए या बैक में ज़्यादा इंजरी हो जाए। जैसे लोगों को देखते हैं तो उस हिसाब से लगता है कि यार कभी ऐसा कुछ काम हो गया, पता लगे जिंदगी भर के लिए कुछ बैठना पड़ जाए, तो बस। लेकिन अभी है कि जैसे अभी कपिंग करवा के उठे हैं तो पहले से बहुत बेटर लग रहा है। जो मूवमेंट थी जैसे आप बता रहे कि शोल्डर की मूवमेंट, पहले शोल्डर में जैसे क्या था कि मेरा हाथ नॉर्मल में इतनी मूवमेंट रहती थी, लेकिन अब मैं 90 डिग्री तक आराम से बहुत इजीली लेके जा रहा हूँ, रोटेट भी आराम से हो रहा है। लोअर बैक का भी आपने कुछ इश्यू बताया था डेडलिफ्ट की वजह से। लोअर बैक में जैसे क्या है कि मैं अगर लेट के भी उठता था, चाहे 10 मिनट रेस्ट करूँ 15 मिनट रेस्ट करूँ, तो बैक जो वो स्टिफ हो जाती थी, लेकिन अब मैं इतनी देर से लेटा हुआ था उसके बाद उठाऊँ तो बिल्कुल आराम से फ्री उठाऊँ। अच्छा, जिम में एक्सरसाइज करते समय काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, स्पेशली बैक की, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होना, नस का दब जाना या खिंचाव आ जाना या मसल स्टिफ हो जाना, तो इन प्रॉब्लम के लिए वेट कपिंग है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और हिसार में अब तक वेट कपिंग के और कोई भी क्लिनिक नहीं है, हमारा पहला क्लिनिक है जो वेट कपिंग, ड्राई कपिंग, इलेक्ट्रिक कपिंग, ये तीनों थेरेपियाँ हैं वो करता है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप भी एक बार जरूर वेट कपिंग का जो ट्रीटमेंट है इसको ट्राई करें। जैसे अमन, आप जिम में ट्रेनर हैं, तो बहुत सारे बिगनर हैं, वो ऐसी मिस्टेक, जनरली बिगनर ऐसी मिस्टेक ज़्यादा करते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? क्योंकि जिम की वजह से मैंने देखा है किसी को टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम हो रही है, लोअर बैक की तो प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, शोल्डर इंजरी बहुत कॉमन है, तो उन बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो ऐसा है जी, जैसे अपने एथलीट हो गए या अपने जैसे जिम में हो गए, जब एक्टिविटी करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उसमें ये चीज़ कॉमन है कि आपको मसल पुल आपका हो सकता है या आपको मसल इंजरी कोई किसी टाइप की हो सकती है, ठीक है। तो आजकल बाकी ऐसा भी है कि भाई बच्चे जैसे जिम में स्ट्रेचिंग वगैरह बहुत कम करते हैं, ठीक तो है, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंजरी वगैरह होती है जिम के अंदर, ठीक। तो आप ये कि वीक के अंदर आप सेशन एक ले सकते हो, ठीक। जैसे पहली बार मैं आया हूँ, क्योंकि मेरे को भी जैसे क्या था कि हिसार में कपिंग का ये था, कपिंग करते हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि वेट कपिंग कौन करता है। जैसे अपने भाई आए मोहित, तो उनके थ्रू आप मेरे को जिम में मिले, हाँ जी। तो फिर जब मेरे को पता लगा कि चलो आप वेट कपिंग करते हैं, तो अगर चलते हैं, सेशन लेते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम जैसे टेनिस एल्बो है, लोअर बैक की प्रॉब्लम है, या आपको शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जिम की वजह से कोई और प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। थैंक यू।